डिफरेंशिएट टैन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको, ओके, कि एक फंक्शन को आपको दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट, अगर इसको अगर इस तरह से लिखो, डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू दिस वन, y इज इक्वल्स टू इतना विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है, तो आपको शॉर्ट में आप क्या आता है कि डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy by dz, है कि नहीं, अगर कोई भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे आपको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, dy by dz, है ना, तो बस सिंपली यहाँ पे दो y और z आपके दो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, x यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है, तो यू हैव टू फाइंड आउट dy by dx एंड dz by dx एंड देन यू हैव टू डिवाइड इट सो टू गेट dy by dz, ठीक है, जस्ट ट्राई इट, आपको क्या करना है, इस फंक्शन से y से आपको क्या निकालना है, dy by dx, है ना, इस फंक्शन से आपको निकालना है dy by dx और ये वाले फंक्शन से आपको निकालना है dz by dx, ठीक है, dz by dx, ठीक है, तो फिर आपको dy by dx जो आएगा, है ना, dy by dx वो क्या होगा, सॉरी dy by dz आपको चाहिए ना, dy by dz, तो इसके वैल्यू क्या आएगा, dy by dx डिवाइडेड by dz by dx, ठीक है, ये आपको दे देगा dy by dz का वैल्यू, ठीक है, बनाओ सभी कोई कोशिश करो, ये हिंट था, आपके पास दो फंक्शन है, y is equal to tan inverse of 2x by 1 minus x square with respect to z, आपको differentiate करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, dy by dx, ठीक है, तो y is equals to आ गया आपके पास, y is equals to tan inverse 2x by 1 minus x square, इसको आपको differentiate करना है, ठीक है ना, इसको आपको differentiate करना है, तो आप वो फॉर्मूले पे मत जाओ कि tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप सोचो इसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं, tan inverse of 2x by 1 minus x square, आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हो, ठीक है ना, आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये एक फॉर्मूले में टूट सकता है ना, एक्चुअली ये 2 tan inverse x का फॉर्मूला है, तो आप लोग यहाँ से इस तरह कर सकते हो, पुटिंग t पुट x इज इक्वल्स टू, अगर tan थीटा लेते हो, x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है ना, तो देखो क्या आता है, y is equals to आ गया आपके पास tan inverse यहाँ पे 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta, है ना, ये आपको 1 minus tan square theta आ गया, तो यहाँ से देखो एक चीज देखो, ये क्या है, 2 tan theta by 1 minus tan square theta, ये किसका फॉर्मूला है, यही है ना, tan 2 theta का फॉर्मूला है ना, ध्यान से देखो, tan 2 theta equal to क्या होता है, tan theta plus tan theta, yes sir, यही है ना, divided by 1 minus tan square theta, यही होता है ना, 2 tan theta by 1 minus tan square theta, tan 2 theta का फॉर्मूला है ये, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, tan inverse, है ना, tan inverse tan 2 theta, है कि नहीं, tan 2 theta, यहां से tan inverse और tan 2 theta 2 theta is equals to क्या आएगा, 2 theta, ठीक है ना, और theta का value यहां से ले लो,
ठीक है, थीटा का वैल्यू यहां से उठा लो, क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स, कितना सिंपल हो गया है ना। अब डिफरेंशिएट करो, अब डिफरेंशिएट करो, अब करो क्या, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म, कोई दिक्कत। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में जाओ, जब जेड इक्वल्स टू जब लाते हो आप, यहाँ पे आपका क्या आया है, फंक्शन जेड इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, ये सब तो हमने डिस्कस किया हुआ पहले भी इन, तो, हाँ मतलब कि अगर कोई भी साइन, जैसे कि अभी आपने दिया है ना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो इसमें भी हम लोग मतलब कोई भी है तो उसको साइन का जो टेन आप रखे तो टेन रखे और फिर साइन है तो साइन रखे, किसी तरीके से आपको रिड्यूस करना है, आपको आपको ऐसा थोड़ी है, इनवर्स चैप्टर जो पढ़ा आपने तो उसका एप्लीकेशन तो आएगा ना आगे चल के, तो जो भी पढ़ा आप उसमें वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके सर, है ना, तो जैसे कि यहाँ पे आपको मिला z इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना, तो अगर आपको याद हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते थे, z इक्वल टू अगर tan थीटा रखते हो, है ना, क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे x इक्वल टू अगर tan थीटा रखते हो, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, तो क्या आता है, z इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan theta by 1 plus tan square theta, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, z equals to sin inverse, ठीक है, ये 2 tan theta हो गया, और 1 plus tan square theta क्या होता है, 2 tan theta, नहीं 1 plus tan square theta equal to sec square theta होता है, हाँ, ठीक है, अगर इसको आप साइन और कॉस में चेंज करते हो तो ये आपको आता है z इक्वल टू साइन इनवर्स, है ना, साइन 2 थीटा, चेक कर लो, साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है, z इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, 2 टाइम थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा, है ना, क्या है ये देखो, 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या था, sec स्क्वायर थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा से, है ना, cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये एक कटा तो आया क्या, 2 sin थीटा cos थीटा आया ना, और ये इक्वल टू आता है आपका sin 2 थीटा। ये सब सारे हमने डिस्कस किए हुए इनवर्स चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो वो सबको रिकॉल करना है और आगे का क्वेश्चंस करना है, ठीक है, तो यहां से आपको z इक्वल टू आ गया 2 थीटा, ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या करोगे, यहां से ले लोगे, है ना, क्या आया, 2 tan inverse x आया, तो यहां से आपको आ जाता है dz by, अब डिफरेंशिएट करोगे dz by dx, है ना, equals to 2 by 1 plus x square, आ गया, है ना, तो बस, yes, जब दोनों ही इक्वल आ गया है तो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक ही आएगा ना, अगर आप लोग, अब फिर क्या करना है आपको, dy by dz निकालना है, है ना, आपको निकालना क्या है, dy by dz, ठीक है, तो dy by dz क्या होगा, dy by dx, ठीक है, अपॉन dz by dx, ठीक है, दोनों तो इक्वल है इसलिए क्या आएगा, वन आएगा, है कि नहीं, समझ में आई बात, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको हर चैप्टर का आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना, सबका एप्लीकेशन आगे चल के आएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन मुझे एकदम बिना अटके बटके बन गया तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ अब आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास डिफरेंशिएट, उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट टैन इनवर्स एक्स बाई
वन माइनस, सॉरी रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, विथ रिस्पेक्ट टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, है ना, साइन इनवर्स, विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स टू एक्स, टू एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बनाओ, इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, बना के दिखाओ जल्दी से। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट वही चीज है, डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन को वाई ले लो, है ना, ये फंक्शन को जेड ले लो, है ना, तो डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी जेड सिंपली, है ना, डी वाई बाई डी जेड आपको निकालना है। तो फर्स्ट फंक्शन हम पहले पकड़ते हैं, तो पहला फंक्शन आपका आ गया वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ, टैन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो जब भी ऐसा दिखता है आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में है, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में, तो मैंने बताया था आपको कि ऐसे केसेस में हम लोग एज्यूम करते हैं या फिर पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। तो यहाँ से आप पुट करते हो तो आपको पास मिलता है वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, है ना, टैन इनवर्स साइन थीटा। यहाँ पे हमें साइन थीटा रखने से फायदा हो रहा है, ठीक है, इसलिए साइन थीटा रख रहे हैं। आप साइन थीटा भी रख सकते थे, कॉस थीटा भी रख सकते थे, बट कॉस थीटा रखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हम लोग साइन थीटा रख रहे हैं, है ना, साइन थीटा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा वन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू आपके पास आया टैन इनवर्स साइन थीटा बाई रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चेक कर लो सही है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, रूट हटेगा तो कॉस थीटा बाहर आएगा, है ना सर, ऐसे तो वन आ जाएगा ना। तो यहाँ से आपको आया वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला वाई इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है, और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। तो अब डिफरेंशिएट करो, यहां से डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ से आपको मिला ये चीज। सेकेंड में आपको क्या गिवेन है, जेड, है ना, अब जेड के बारे में सोचो, ठीक है, जेड को कैसे सिंप्लीफाई करें, जेड इक्वल्स टू है साइन इनवर्स टू एक्स इन टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी देखो क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, यू कैन टेक एनी थिंग, पुट एक्स इक्वल टू आइदर कॉस थीटा और साइन थीटा, कुछ भी ले सकते हो, पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा या साइन थीटा, है ना, हम लोग साइन थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा लिया तो क्या आया, जेड इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, चेक करो, मैंने साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि वन माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इस तरह के फॉर्म में जब भी रहेगा तो एक्स को हम लोग साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ से आया साइन इनवर्स टू साइन थीटा इन टू रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलता है, जेड इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा, है ना, इन टू कॉस थीटा होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, रूट हटेगा तो फिर बाहर कॉस थीटा आएगा, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एक लाइन में कर दिया, एक स्टेप में, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा है, इसका मतलब क्या है, ये साइन टू थीटा का फॉर्म है, है ना, टू साइन थीटा कॉस थीटा आपका साइन टू थीटा होता है, यहाँ से आपको z इक्वल्स टू आ गया टू थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, दैट मींस थीटा, है ना, अब थीटा का वैल्यू ले लो, z इक्वल्स टू आ गया आपके पास
टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, डी जेड बाई डी एक्स करना है, ठीक है। डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टू बाई वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। टू का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट ही है मल्टीप्लाई में, इसलिए टू इंटू साइन वर्स का डिफरेंशिएशन टू बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब फाइनली आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी जेड, है ना, डी वाई बाई डी जेड। और सिंपली आपको पता है डी वाई बाई डी जेड होता क्या है, है ना, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिलता है वन बाई टू आपको आएगा, है ना, क्योंकि वन बाई ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन बाई सॉरी टू बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रूट वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ गया डी वाई बाई डी जेड इक्वल्स टू वन बाई टू, क्लियर है। यस सर, हो गया, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन कर लो लास्ट, है ना, एक और क्वेश्चन। गड़बड़ हो गया, नहीं क्या गड़बड़, कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन करो, सारा किया हुआ ही क्वेश्चन है आपका, है ना, बस एप्लीकेशन अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंशिएट वही स्टेप है, वही सारा क्वेश्चन है ना। डिफरेंशिएट टैन इनवर्स इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हो दो बार तीन बार करके, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। बनाओ तो सभी कोई, डिफरेंशिएट टैन इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये फंक्शन आपका क्या हो गया, वाई, है ना, ये फंक्शन वाई और ये फंक्शन एक्स सॉरी जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको निकालना है dy by dz, है ना, ये निकालना है, बनाओ। ये y हमने ले लिया, ठीक है, y is equals to tan inverse root over 1 plus x square minus root over 1 minus x square डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करना चाहोगे तो इस तरह से आप करोगे, क्या करना होगा आपको, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, x square is equals to cos theta हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको देखो क्या फॉर्म आपको मिलता है, tan inverse root over 1 plus cos theta minus root over 1 minus cos theta divide by root over 1 plus cos theta plus root over 1 minus cos theta, ठीक है। वन प्लस कॉस थीटा को आप लोग कैसे लिख सकते हो, है ना, वन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है, y is equals to, नहीं देखो वन प्लस कॉस टू थीटा है, कॉस थीटा है ना, ये है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, वन प्लस कॉस ऑफ टू इंटू थीटा बाई टू, है कि नहीं, ठीक है। तो इसको इस तरह से और कर सकते हैं हम लोग, वन प्लस क्या होता है इसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यही होता है ना, कॉस टू थीटा का फंक्शन
cos 2 theta का वैल्यू, ठीक है, तो ये आपको आएगा 2 into cos square theta by 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, tan inverse 2 रूट रूट में रहेगा है ना, और रूट हटेगा cos square theta by 2 से, तो क्या आएगा cos theta by 2, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस जब रखोगे तो साइन आता है ना, रूट ओवर 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका आएगा रूट ओवर 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट ओवर 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। इनवर्स चैप्टर रिवाइज करो फिर से, ठीक है, आप लोग को पूरा एकदम साफ हो गया है। तो y इज इक्वल्स टू आपका आ गया क्या, रूट ओवर ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो कट जाएगा है ना, और बचेगा आपके पास जो वो कुछ ऐसा होगा cos थीटा बाई 2 है ना माइनस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था ऐसे केसेस में बता सकते हो, डिवाइडिंग इसका, इसके बाद का स्टेप क्या होता था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस थीटा बाई 2 है ना, दोनों को डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स कॉस और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 यही है ना, डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, और नीचे है आपका डिनोमिनेटर cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे हमने सेम क्वांटिटी से, तो इक्वल्स टू आपका आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स है ना, अब अलग अलग कर दो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2 है कि नहीं, ठीक है। अब इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, ये बहुत ही कॉमन स्टेप है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, 1 को कैसे लिखेंगे, tan पाई बाई 4, ठीक है, माइनस tan थीटा बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 है ना इनटू tan थीटा बाई 2 आ गया। यहाँ से आपको क्या आया, इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू क्या आया, टैन इनवर्स ऑफ, सॉरी, टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई, ठीक है, इक्वल्स टू आपको आ गया वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बन जाएगा आराम से है ना, आपको y निकल गया z निकाल लो बस, उसके बाद डिवाइड कर दो, ओके यस सर, निकल जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा।